अशोक बेकरी में लगी आग, लाखों की हुई नुकसानी। परसवाड़ा में राज्यपाल के आने की तैयारियों में जुटा जनप्रतिनिधि और प्रशासन। और धूमधाम से मनाई गई सेन महाराज की जयंती। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ के नेतृत्व में कोटवारों ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोटवारों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक मांगों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के कोटवारों में आक्रोश व्याप्त है। हमारी मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ जिला शाखा बालाघाट के आह्वान में आज विशाल आम सभा बस स्टैंड में रखा गया है और हमारी दो सूत्री मांगे हैं। पहली मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी नियुक्त किया जाए, यदि उसमें अगर विलम्ब है तो कम से कम कलेक्टर रेट के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो अपने को शासन से जो भूमि मिली सेवा भूमि, उस भूमि को स्पष्ट रूप से क्या भूमि स्वामी हक होने की स्पष्ट आदेश गवर्नमेंट करना चाहिए। और ये दोनों मांगों को लेकर के अभी बैठे हैं, देख रहे हैं अभी यहाँ क्या होता है। इसके बाद में क्या है, प्रदेश स्तर पे इस कार्यक्रम को बढ़ते क्रम में लेंगे और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम को चलाएंगे। जिला कराटे संघ के तत्वाधान में 4 मई से 12 मई तक ग्रीष्मकालीन बालिकाओं और महिलाओं के लिए निशुल्क आत्म सुरक्षा और खाली हाथों से लड़ने की युद्ध कला सीखने हेतु कैंप का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय परिसर बालाघाट में शाम 6 बजे से 8 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से आत्म सुरक्षा और शरीर को कड़ा, मजबूत और भारी आक्रमण से बचाव या सहन करने की विभिन्न क्रियाओं और तकनीकों का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त जानकारी जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराटे प्रतियोगिता के लिए 2 खिलाड़ी साहिल नारनौरे और देवेंद्र मेरावी का चयन हुआ है, जिनका सम्मान किया गया। जो जिला कराटे संघ की जानकारी है पूरे जिले तक पहुँचाए, हमारे तहसील ब्लॉक तक पहुँचाए। माध्यम ये है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर चालू हो गया है, लेकिन इस बार हम लोग 3 साल पहले हमने स्पेशल महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिविर लगाया था कि आत्मरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर, कि बच्चियां अपनी सुरक्षा कैसे करें, शारीरिक रूप से फिट कैसे हों, उसको लेकर हम 4 मई से 12 मई तक का एक कैंप स्पेशल बालिकाओं और महिलाओं के लिए लगाने जा रहे हैं। तो हमारा उसमें स्पेशल निवेदन आप सभी से है कि हमारी जानकारी बच्चों तक पहुँचे, सभी घर परिवारों तक पहुँचे। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और बालाघाट में लगातार आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। बता दें कि शहर मुख्यालय के सुभाष चौक में स्थित अशोक बेकरी में मंगलवार की सुबह शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई, जिसकी सूचना नगरपालिका के अग्निशमन टीम को मिली तो शीघ्र फायर कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी से बेकरी के सामान सहित फ्रीजर और अन्य सामान जल गया, जिससे 1 लाख से अधिक की नुकसानी होना बताया जा रहा है। बालाघाट जिले में 8 मई को महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसके तहत बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, आयुष एवं जल संसाधन मंत्री नानू कावरे ने कार्यक्रम की रूपरेखा सुरक्षा संबंधी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बनाई। आज रानी दुर्गावती महाविद्यालय परसवाड़ा का निरीक्षण कर अधिकारियों ने कर्मचारियों को संबंधित प्रोटोकॉल के हिसाब से महामहिम राज्यपाल का स्वागत और विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर चर्चा की और उसी की तैयारी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर परसवाड़ा महाविद्यालय में आज हमने जनभागीदारी की बैठक लेकर इस महाविद्यालय के विस्तार को लेकर हमने चर्चा की और चर्चा उपरांत आने वाले समय में जब महामहिम जी आएंगे तो महामहिम जी का जो थीम है, महामहिम जी चाहते हैं कि हमारे जो जंगल में रहने वाले परिवार हैं जिनको सिकल सेल की बीमारी है, उस बीमारी को कैसे हम चिन्हित करें और उस बीमारी से कैसे हम आयुर्वेद से जुड़े। आयुर्वेद चूँकि ये हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे पास में जड़ी बूटियाँ भी बहुत हैं, उस जड़ी बूटियों से भी हम सिकल सेल को ठीक कर सकते हैं।
केश शिल्पी सेन नाई समाज द्वारा अपने आराध्य श्री संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की जयंती 27 अप्रैल को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज समीप सेन चौक में सुबह नंदा सेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सेन चौक से भव्य भगवा बाइक रैली निकाली गई। उसके बाद सेन चौक से भव्य भगवा बाइक रैली निकाली गई जो नगर के मोती नगर चौक से प्रमुख मार्गो और चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस सेन चौक पहुँच सम्पन्न हुई। इसके बाद मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें उपस्थित अतिथियों ने सामाजिक जनों से एकजुटता के साथ कार्य कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। गत रात्रि जनपद पंचायत कटंगी के ग्राम पिपरिया थाना तिरोड़ी निवासी झाड़ूलाल मेशराम और विश्वरेखा मेशराम का मकान अज्ञात कारणों से जल उठा। मौके पर दमकल प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से अग्नि पर काबू पाया गया, लेकिन इस दुर्घटना में पीड़ितों को लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने दुर्घटना स्थल पर पीड़ित परिवारों से मिलकर दुख व्यक्त किया और राहत सामग्री प्रदान की। देशमुख द्वारा ऐसी दुर्घटना पर राजस्व परिपत्र 6-4 के अनुसार मिलने वाली शासकीय सहायता की जानकारी दी गई। साथ ही शासकीय मुआवजा मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अपने कटंगी स्थित कार्यालय में मिलने का आग्रह किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता ललित रहंगडाले, राजेंद्र शरणागत और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अप्रैल माह के दिनों में वातावरण में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। नदी नालों, तालाबों, हैंडपंप, कुओं और अन्य जल स्रोतों में पानी का अभाव होने के कारण पशु पक्षियों को पानी के लिए तरसते रहने की दशा में अहिल्या देवी होलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान की अध्यक्षा उषा गिरे द्वारा पक्षियों को पानी की व्यवस्था की गई। वार्ड नंबर 6 में आशा पंद्रे, श्री माहेश्वरी पंद्रे, सोनिका मड़ावी, बेलावती नेहा सावित्री उइके, तुलसी वरकड़े, कामिनी कोकड़े, रामबत्ती शिवचंद्र उइके, पार्वती बाई, झरोखा मांडवी, कांचन गिरे, भूमि उइके, भूमिका पंद्रे, एकता पांचे, देविका आदि सभी के सहयोग से जगह जगह जलपत्रों की व्यवस्था की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।